सौ रुको मैं पहले अपना ब्लैंकेट ठीक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ का ठंडा बहुत 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 ज़्यादा है मीन्स जमशेदपुर में वैसे ज़्यादा ठंडा नहीं है। ये आप लोग मेरा बाल नोटिस मत करना, मैं बहुत ज़्यादा झपड़ी लग रही हूँ, झपड़ी। यार आप लोग स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग मत कराया करो, बाल सब पूरा ख़राब हो जाता है। नेचुरल बाल ही वही बहुत खूबसूरत है, उसी में हेयर स्पा वगैरह कराते रहो। और ये वैसे एक्चुअल मेरा बाल ऐसे इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि मैंने जो है बिना शैम्पू के बाल धोया है कल, क्योंकि जो शैम्पू मैं लगाती हूँ वो शैम्पू था नहीं और बीच में 2 दिन जैसे डब लगा रही थी तो डब मेरे बाल पे शूट नहीं करता है, सो इसीलिए बाल ऐसा भी दिख रहा है। सो ये ग्लास में मेरा धुआं निकल रहा है, आप लोग देखो। अरे दिख रहा है ना आप लोगों को ये गरम धुआं। सो इसमें है अगर गिरना नहीं नींबू पानी, सो इसको पीते हैं। पता नहीं यार आप लोगों को कैसा लगता है, चीनी वगैरह मिला करके, ठीक है। बोला जाता है कि गर्म पानी में नींबू और थोड़ा सा हनी मिलाया जाता है, बट मेरे को नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। सो मैं इसको ऐसे पीती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। मैं हमेशा नहीं पीती हूँ, कभी कभी पीती हूँ। जब मेरे को लगता है कि मेरा पेट बाहर आ रहा है तब मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा हेल्थ तो बढ़ने से रहा, हेल्थ तो मैं कंट्रोल में हूँ और हेल्थ तो शायद मेरा नहीं बढ़ेगा, बढ़ने नहीं दूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा भी बढ़ जाता है तो फिर मैं खाने पीने में कंट्रोल कर देती हूँ। और बाहर का खाना तो मेरा बिल्कुल नहीं, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर अगर मेरे को इच्छा हुआ, अब बहुत लंबे टाइम से नहीं खाई हूँ तो खा लेती हूँ, नहीं तो बाहर का खाना तौबा मैं नहीं खाती हूँ। खाती भी तो थोड़ा खाती, ज़्यादा नहीं खाती। और बस पेट बाहर ना आए यार, पेट बाहर आने से खूबसूरती घट जाता है, सो बहुत मुश्किल है। और अभी नींबू पानी पीने के बाद चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद में चाय बन रहा है तब तक पी लेती हूँ, नहीं तो पता चला कि मेरे को चाय भी ठंडा हो जाएगा। कभी कभी मैं इसमें पूरा थोड़ा सा पानी में एक पूरा गोटा नींबू मिला देती हूँ। मेरे को लगता है यार इतना ज़्यादा मिला करके पीऊँगी ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह में देखी हूँ कि नींबू ज़्यादा खाने से, ये मेरे को याद नहीं आ रहा यार, हेल्थ बढ़ता नहीं है या फिर पेट के लिए ये पिया जाता है। कभी कभी तो इसको पीते समय मेरे को उल्टी सा लगने लगता है, पता नहीं। अभी मैं वीडियो बना करके पी रही हूँ शायद इसलिए मेरे को कम लग रहा है, नहीं तो कभी कभी मैं नॉर्मली ऐसी नॉर्मल डे में कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, कैमरा मतलब ऐसे नॉर्मल मैं बैठ करके पीती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टी सा लगता है। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है यार, ख़राब नहीं है। सो हमारे जमशेदपुर में ज़्यादा ठंडा नहीं है, और ज़्यादा ठंडा नहीं है मीन्स हाँ थोड़े से। मॉर्निंग में तो बिल्कुल ठंडा नहीं लगता, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो मैं जैकेट वगैरह चढ़ा करके जाती थी, लेकिन जब मैं पार्क जाती थी 1 राउंड लगाने के बाद से जैकेट में अपने कमर पे बांध करके फिर रिटर्निंग मेरा बिना जैकेट के होता था। तो मतलब ठंडा सुबह का ठंडा उतना नहीं लगता। कभी कभी तो मैं 5 बजे भी नहा लेती हूँ, कभी कभी ऐसा पड़ जाता है काम मेरे को, 5 बजे भी नहा लेती हूँ इतने ठंडे में। अभी पानी को बिना गर्म किए, और मेरे को आदत है, मेरे को ठंडा पानी ज़्यादा पसंद है, और गर्म पानी हमारे घर पे हम लोग गर्म पानी नहीं करते हैं, सब ठंडे पानी से ही नहाते हैं। तो मेरे को ठंडा पानी अच्छा लगता है गर्म पानी की अपेक्षा। अगर गर्म पानी कहीं मिल जाता है, कोई करके दे देता है तो ठीक है, मैंने इतना मेहनत नहीं करने वाली, गरम नहीं करने वाली। और ठंडा पानी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब शरीर पड़ता है ना, जैसे होता है ना गर्म तवे पे अच्छा पानी छिड़को तो कैसा लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। मेरे को ठंडा पानी बहुत पसंद है। सो चाय रेडी हो गया। शायद अच्छा था, मजा आया। मेनोपॉज होता है 45 से 50 का उम्र में होता है मेनोपॉज। हाँ तो अग्नि मेनोपॉज है। हाँ जो भी एक दिन पहले हो जाता है। सुबह सुबह डिस्कशन क्या बोले मेरे को दातली? ये भगवान मेरा दतली है, ये पहले बता मेरे को। हाँ, छुपा रहे थे। चल देख मेरे को फिर से देख। हम ही देखेंगे। सुबह सुबह दोनों किचन में घुस करके क्या क्या बात करती समझ में नहीं आता है। कल जो देख रहे थे मिस्टर प्लैंकटन, उसी का बात कर रही है। और मेरी बहन बना रही है, क्या बना रही है बहन? चाय। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। ए हम आज नाश्ता नहीं बनाएंगे। सो मेरी बहन मेरे लिए बना रही है चाय। मतलब इतना सारा चाय कौन पिएगा? खानदान को पिलाइए। पांच जन का चाय बना रही है और हम लोग 2 जन, चलो 3 जन भी पी लेंगे तो 5 जन का चाय है। ओ मेरी प्यारी बहन, तेरा फेस में इतना सारा तिल आ गया है। अरे तिल नहीं है, वो जोने है दादी का दिया हुआ। ये सारा जोने है जोने। ये भाई मेरा तो आंख के सामने वाला ना खत्म ही नहीं हो रहा है। और ये मोटी को देखो, अभी ड्यूटी जाने वाली और इतना सारा बर्तन जमा करके रखी बाप रे, बेसिन में भी भर चुका है। और इसको देखो, ये आलसी नंबर 1, ये उठते सर यही काम सब करती है और कोई काम धाम है नहीं। हीरोइन को ठंडा भी नहीं लग रहा। ओहो एम जी, ये भी तो नहीं पहने तुम कौन सा? तुम तो और हाफ पहनी है। हाफ देखो भाई, इधर तो लग रहा है ना। ये सेक्सी लुक, सेक्सी लुक। ए भाई ए यहाँ पे भीड़ क्यों करना? चल ए देखो ना, हट हट यार, बहुत तो दे कभी नहीं तो मजा आता। हप नहीं बोलते इसको, हॉट बोलते हैं। हॉट हॉट एंड सेक्सी लुक। तो सौड़ भी कैसे होती है जब इतना हॉट हो तो? अरे नहीं, वो तो उठने के बाद में हॉट हो जाते। ठंडा लगता है जो एक से, तुम कैसे एक से ओढ़ लेती हो? दो ओढ़ में सौड़ती। अरे तो मेरे को ठंडा लगता तो मैं क्या करूँ? मोटा मोटा और तुम लोग तो सीमा वैसे भी ज्यादा ही पतला वाला से ओढ़ती है ना, बहुत ज्यादा। और ऊपर से पंखा चला रहती। मेरे से नहीं होता। मैं अच्छा हुआ 3 ब्लैंकेट मेरा निकला हुआ है, फिर एक मैं फिर से रात में ओढ़ ले। 2 दिन जैसे तो ऐसे ही ओढ़ी थी। इसलिए मैं पतला वाला ब्लैंकेट नहीं यूज करती, जो मेरा हेवी वाला है ना वही वाला यूज करती हूँ। क्या पता ठंडे वंडे में। ये हमारा अदरक कूटने का तरीका है, ट्रिक। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज आप लोग। गंदा लग रहा है मत करो। क्या गंदा लग रहा है? मेरा पोच ये सब साफ रहता है, समझी ना। ये बस थोड़ा सा अभी और 2 दिन चल जाएगा, उसके बाद चेंज करूंगी। तो तुम इसमें कूट लेती। पानी गर्म हो चुका है और लेमन ग्रास पौधा तो मेरा मर गया। मर गया? हाँ रे मर गया। हाँ, तुम ही तो नोचती। अरे उसका मिट्टी ना यह हो गया, सड़ गया। बस सड़ गया मीन्स उसका जो जड़ है ना उसको ऊपर आ गया था जड़। तो उसको क्या है, फिर दोबारा रोपना था उसको, मिट्टी पूरा निकाल करके। करने नहीं आया सालों साल। तो ये निकाल दी ना। हाँ तो कितना दिन, तो कितना साल तो था ना। अभी उसको नया लगाना नहीं, उसको दोबारा लगाए थे। जहाँ रहते थे वहाँ पे एक तो फूल निकलता था ना, बहुत खूबसूरत दिखता था। ओ छोटा छोटा वाला, पिंक पिंक येलो नहीं, वो वाला नहीं, एक लंबा लंबा रहता था और ऐसे फूल खिलता था, लंबा लंबा। याद है ना, ऐसे होता था। हाँ एक फूल सीधा था, वो हम लोग नहीं लगाया था, पहले वहीं पे था। उसमें अभी कौन लोग पूरा खुश होगा ना, जो भी बगान लगा के रखा होगा, छोड़ दिया होगा। एक्चुअली वो आदमी भी इसलिए भी छोड़ के गया होगा ना। अच्छा होगा ऊपर वाला, ऊपर साइड। अरे वो आदमी इसलिए भी वहाँ पे बड़ा बड़ा गमला था ना, इसलिए कोई लेके गया नहीं होगा। नहीं ये तो छोटा छोटा गमला रहता, हम दोनों जैसे छोड़ देंगे, लेके जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा गमला तो है नहीं। और उसका मिट्टी वाला गमला भी था। अभी चमेली फूल ना क्या फूल सब आया, नहीं तो ना हमको नहाया लग रहा है, लेकिन इसलिए हम नहीं ले रहे ना, जगह भी नहीं और मिट्टी भी नहीं। हाँ अभी बहुत फूल आया है, ठंडा में आता है। चीयर्स। जिसने भी मॉर्निंग चाय पी रखा है, जिसने भी चाय मॉर्निंग चाय पी रहे, जो भी मॉर्निंग चाय पी रहे हैं उनको चीयर्स। पूरी खत्म हो गया ना। लेमन ग्रास भाभी लोग यहाँ से लेकर के आना पड़ेगा। तो जाओ ना, मैंने कहा बाबू तुम जाता है ना, ना लेकर आना। आई थिंक नहीं है, नहीं फोन की तो मैं भी फोन नहीं की। सो ठीक है, मैं चाय पी लेती हूँ और आपने जिन्होंने भी नहीं पिया चाय अपना चाय फिनिश कर लो। सो बाद में हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।